अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मीठी टिक्कियाँ बना रहे हैं और इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने ना 2 कप मैदा ले लिया और 1/2 कप मैंने सूजी ले ली है और 1 कप मैंने चीनी ले ली। इसी कप से मैंने जो है वो लिया है मैदा और 2 कप ना ये वाला और 1 कप मैंने चीनी ये ब्राउन शुगर ले ली है, वाइट चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 कप मैंने दूध ले लिया फिर जितना यूज़ हुआ। अच्छा, ये मैंने ना कुछ कोकोनट ले लिया, मैंने उसे ना ये बारीक सा क्रश कर लिया और ना तकरीबन 10 बादाम ले लिए, उन्हें मैंने पीस लिया ना, बहुत बारीक नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है, नॉर्मल सा। और 5 मैंने इलायचियाँ ले ली हैं, उन्हें मैंने एक ना पीस लिया, और 1 टेबल स्पून जो है ना वो तिल ले लिए। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने ना मैदा ना छान लिया ना, ये मैंने मैदा इसमें ये बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया, और सूजी भी मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूजी भी मैं मिक्स कर दूंगी, और ये जो ब्राउन शुगर है ये भी मैं डाल दूंगी इसमें, और मेरे पास ना 2 टेबलस्पून देसी घी है वो भी मैं डाल दूंगी। दूसरा डालडा घी भी डाल सकते हैं, ऑयल से ज़रा ना अच्छी खस्ता नहीं बनती ना हमारी। और ये जो है ना हमारे पास ये भी सारे ड्राई फ्रूट्स ये भी डाल देंगे, और इसे ना मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, फिर हमारी बहुत अच्छी टिक्कियाँ बनेंगी। ये टिक्कियाँ रजब के महीने में बनाई जाती हैं, वैसे भी बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनकर तैयार होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाऊंगी क्योंकि हमने ना सख्त सा गूंदना, इसे ढीला नहीं करना। अच्छा व्यूअर्स, ये ना हमारी डो तकरीबन हो चुकी है, इसे हमने ना बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, बहुत सख्त सी होनी चाहिए। देखें तो मैं इसे ना थोड़ी देर रेस्ट दूंगी, तकरीबन ना 30 मिनट, फिर हम लोग इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। हमारी डो तैयार हो चुकी है, मैं इसमें रख देती हूँ इसे, और मैं इसे ना कवर कर देती हूँ। हम इसे ना कवर करके रख देते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये ना 30 मिनट हो, तो अब मैं ना इसे बेलती हूँ। बिस्मिल्लाह, हम लोग पूरे को भी बेल सकते हैं और हाफ हाफ करके भी, जिस तरह आपकी मर्जी हो आप वैसे कर सकते हैं। अच्छा भी बस देखिए, मैंने ये सारा आटा ले लिया था जो ये मैंने ना करके रखा हुआ था, और मैंने सारे को ना बेल लिया। अब मैं इसकी ना ये मेरे पास गिलास है, इसकी मदद से ना मैं इस तरह करके ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इस तरह ही मैं ना सारे निकाल लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल सी जो है ना। ये इसी तरह व्यूअर्स मैं सारी बना लूँगी और फिर हम इन्हें ना तल लेते हैं। मैंने ऑयल रखा हुआ।
अच्छा व्यूअर्स देखें, ये ना मेरा ऑयल गरम हो गया है, तो आप ना देसी उसमें बनस्पति घी में भी जो डालडा घी होता है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल में बना रही हूँ। तो ये हम लोग डालते हैं इसमें, जितनी आ जाती है उतनी मैं डालती हूँ। बस इतनी है। अच्छा व्यूअर्स देखें, एक मिनट हो गए हैं, अभी ये ना जो टिक्कियां मैंने डाली है ना ये नीचे हैं, जैसे जैसे ये पकती जाएंगी ना खुद बखुद ही ऊपर आ जाएंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, अभी हम इन्हें टच नहीं करेंगे। अच्छा व्यूअर्स देखें, ये मैंने ना तकरीबन 2 मिनट के बाद ना इनकी साइड चेंज की है, तो ये लाइट सी ब्राउन हुई है। अभी मैं इसकी ये साइड दोबारा करूंगी। ये हमारी बहुत अच्छी सी टिक्कियां बन गई हैं, ये रजब के महीने में भी बनाते हैं ख़त्म के लिए, और वैसे भी हर टाइम ही ये बनाई जा सकती हैं, और बच्चे बूढ़े जवान सबको पसंद आती हैं ये। अच्छा व्यूअर्स देखें, ये मैंने ना अब दोबारा साइड चेंज की है, जो लाइट ब्राउन थी मैंने फिर चेंज की है साइड। ये देखें बहुत प्यारी सी हमारी ये टिक्कियां ना बन के तैयार हो रही हैं, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त बन रही हैं ये। आप भी व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनकर तैयार होती हैं। अच्छा व्यूअर्स देखें, ये मैंने निकाल दी हैं, अब मैं और डालने लगी हूँ, सारी मैंने बना ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम और डालेंगे। इसी तरह मैं सारी फ्राई कर लूँगी। अच्छा व्यूअर्स देखें, ये मैंने वो डाली हुई है, ये भी हमारी बहुत प्यारी सी हो रही है, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, और बहुत सॉफ्ट बनी है ये हमारी ना, बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। अच्छा व्यूअर्स देखें, ये हमारी मीठी टिक्कियां बनकर। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत खस्ता देखें, माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट, बहुत मजे की बनकर तैयार हुई है। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं।